हेलो। तो वो क्या कर रहा है? बिल्कुल क्लास स्टार्ट हो गई। चुप। क्या डिस्कशन चल रहा है बच्चों तुम लोगों का? अच्छा देखो, सुरेंद्र को देखो। वाह, क्यूट लग रहे हो। थैंक यू प्रतिष्ठा। मास डिस्कशन हो रहे हैं भाई। ठीक है, चल। कैसा लगा पेपर? सही था पेपर जब पेपर दिया अभी? अच्छा पूछ रही हूँ, अभी संडे को पेपर हुआ था ना यू बच्चों का, जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी आया था। अब सब सोच यस मैम। ठीक है। हाँ तो स्टार्ट करते हैं अपना जो हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये इमोशनल ईएमएफ है ना, स्टार्ट ही किया था जस्ट टॉपिक इमोशनल ईएमएफ कि अगर आपके पास क्या हो। अभी अब तक हमने देखा ईएमएफ किस किन तरीकों से इंड्यूस हुई थी, या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ था या एरिया चेंज हुआ था। यहाँ पे क्या होगा कि जब आपका कोई भी कंडक्टर होगा मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव करेगा, उसकी वजह से भी ईएमएफ क्या होगी? इंड्यूस होगी, है ना। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। उसकी वजह से जो फील्ड आएगी तुम्हारी, वो ईएमएफ आई थी जो इंड्यूस्ड होके, उसकी वैल्यू कितनी आई थी? ई इक्वल्स टू बी रियल। मैंने बोला था इसको याद कर लो कैसे, बल्ब से, है ना। बल्ब तो बी इज क्या? मैग्नेटिक फील्ड। एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और वेलोसिटी क्या है? कंडक्टर की वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, बताओ। बोलो भाई, वो किस डायरेक्शन में होनी चाहिए वेलोसिटी? परपेंडिकुलर होनी चाहिए, है ना। यस और नो? हाँ, तो यस यही मैम। केस मस्ट था। देखो यहाँ पे भी लिखा भी हुआ है कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बोथ, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए और लेंथ के भी परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तभी तुम्हें क्या मिलेगी? इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगी। इसके बाद मैंने तुम्हें एक दो केसेस भी कराए थे। एक सेकेंड, है ना, जिसमें क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। कब? कि आपके पास यहाँ पे कोई भी ये मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे कोई भी कंडक्टर रखा हुआ है। मान लो वो इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब क्वेश्चन आए कि इस वेलोसिटी से वी मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, कंडक्टर की लेंथ भी आपको दे दी, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और ऑप्शन आ जाए बी एल वी साइन थीटा, तो दिमाग का यूज करते हुए एक बार डायरेक्शन देख लेना और आंसर 0 मार्क कर देना, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। तो उसी के बेसिस पे ये एक क्वेश्चन है, देखना एक बार सॉल्व करके।
रॉड ऑफ लेंथ एल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग वायर कैरिंग करंट आई. द रोड इज मूव्ड पैरेलल टू द वायर विद वेलोसिटी वी. ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन लिए हैं. एक सेकंड में देख लेते हैं. डायग्राम के अकॉर्डिंग चलो क्या कर रहा है. एक रॉड ऑफ लेंथ एल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए लॉन्ग वायर, ठीक है, ऑफ कैरिंग करंट आई. यानी अगर एक ये वायर है तो आई करंट जिसमें फ्लो कर रहा है. अब क्या बोला है, एक रॉड है जो इसके परपेंडिकुलर रखी हुई है. द रॉड इज मूव्ड पैरेलल टू द वायर विद वेलोसिटी वी. यानी इस वायर के पैरेलल मूव कर रही है वी वेलोसिटी से. तो कितना फील्ड, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा ये बताना है. बताओ. देखो वेलोसिटी क्या कह रहा है, इस वायर की परपेंडिकुलर होगी. उस जो भी कंडक्टर होगा, मान लो कोई कंडक्टर रखा हुआ है, उसकी जो वेलोसिटी वी है इसके पैरेलल होगी, है ना, इस वायर के. यानी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी पैरेलल के लिए. और जो कंडक्टर है वो क्या है बच्चों, परपेंडिकुलरली रखा हुआ है, यानी इस तरीके से रखा हुआ है ना. और ये वी वेलोसिटी पैरेलल मूव कर रहा है, यानी इस वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है. अब बतानी है कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा. मान लो, क्या मान लो, ये डिस्टेंस ए दूरी पर है और जो ये लूप है इसकी डिस्टेंस एल, ये एल है यहां से यहां तक. अब बताओ ईएमएफ कितना आएगा. इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां हुआ, इनवर्स. पहले तो चेक करो केसेस की सब चीजें परपेंडिकुलर है या नहीं. मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इनसाइड है और वेलोसिटी उसके परपेंडिकुलर है ना. ये देखो ऐसे है, लेंथ इधर है तुम्हारी और वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इनवर्ड्स है. तो यानी तीनों चीज परपेंडिकुलर है. तो ईएमएफ पक्का निकलेगी. कितनी निकलेगी वो निकालो. क्या होता है, बी एल वी होता है. तुमने अभी तक जो निकाला है कितना होता है, बी एल वी. कैसे करना है, वही एलिमेंट लेके, क्योंकि हर पॉइंट पे फील्ड क्या है अलग अलग, ठीक है, वही करना है. चलो वेलोसिटी का वी एज इट इज हो जाएगा. इस एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे कितना आएगा, म्यू नॉट आई. मान लो ये जो है डिस्टेंस, जो ये जो तुमने लेंथ एलिमेंट कट किया है, ये एक्स दूरी पर है, इसकी जो ये डिस्टेंस है ये कितना मान लो, डी एक्स मान लो. तो कितना आया, म्यू नॉट आई बाय कितनी दूरी पे है, टू पाई एक्स. और ये थिकनेस कितनी हो गई, डी एक्स. तो ये तुम्हारी किस एलिमेंट की वजह से, डी फाई आया. अब टोटल निकाल के बताओ कितना आएगा, टोटल ई एम एफ कितना आएगा. कॉन्स्टेंट टर्म बाहर, म्यू नॉट आई कॉन्स्टेंट है, बी कॉन्स्टेंट है, टू पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया. क्या बचा, डी एक्स बाय एक्स. कितना जाएगा, लिमिट्स बताओ. लॉग एक्स. अरे लॉग एक्स तो ठीक है, लिमिट्स क्या लगाऊं, ए प्लस एल से ए एल.
ए से लेके पहला पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे, तो ए से लगाएंगे ए प्लस एल तक, ठीक है। हाँ तो क्या आएगा, म्यू नॉट आई बी बाय 2 पाई लॉग ए प्लस एल बाय ए। तो ए ये तुम्हारा आंसर है। तो मैंने बताया था जब भी ऐसे केस आए कि स्ट्रेट लाइन के केस में एक लूप रखा हो तो तुम्हें सबसे पहले एलिमेंट लेके करना है, ठीक है। चलिए ये वाला सवाल करिए। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से मैं समझा देती हूँ कि दो पैरेलल वायर्स हैं ए एल एंड बी एम, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस एल, आर कनेक्टेड बाय ए रेजिस्टर आर। एक दो वायर हैं ए एल एंड बी एम, कनेक्टेड बाय ए रेजिस्टेंस आर एंड प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी। तो ये आपको ये डायग्राम ना गिवन है, ठीक है। ये है दो वायर्स, विच इज दिस इज ए एल, और ये वाली वायर है तुम्हारी बी एम। यहाँ पे एक कंडक्टर रखा हुआ है सी डी, ठीक है। इसकी वेलोसिटी बच्चों ये है, फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड्स। ये रेजिस्टेंस, ये दो वायर्स हैं, ये आर रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, बस इनमें करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में ऐसे, कनेक्टेड बाय इनकी लेंथ एल है, रेजिस्टेंस आर से कनेक्टेड है, मैग्नेटिक फील्ड है जो कि परपेंडिकुलर है कंटेनिंग द वायर्स, और दूसरी वायर है सी डी विच इज कनेक्टेड द टू वायर्स परपेंडिकुलरली एंड मेड टू स्लाइड द वेलोसिटी वी। तो अब ये जो वायर है ये क्या कर रही है, विद वेलोसिटी वी से इन दोनों कंडक्टर्स पे स्लाइड कर रही है। अब आपको बताना है कैलकुलेट द वर्क डन पर सेकेंड नीडेड टू स्लाइड द वायर सी डी। क्या कह रहा है, आप वो वर्क डन बताइए जो रिक्वायर्ड है जिससे कि जो वायर है सी डी वो इस पे स्लाइड करती रहे, है ना, जो ये वेलोसिटी वी से चल रही है ये इससे चलती रहे, बट इसने बोला है कि वर्क डन चाहिए, तो वो कब होगा। देखो वी वेलोसिटी से तो ये चलती रहेगी, हमें एक्सटर्नल वर्क करने की जरूरत है ही नहीं, पर ये क्या बोल रहा है, वर्क डन चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, कोई अपोजिंग फोर्स होगी जो इस वेलोसिटी को रिटार्ड कर रही होगी, तभी पूछा है कि वर्क डन बताइए, है ना। तो बताओ क्या होगा, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन कैसे निकलेगा, सबसे पहली बात फोर्स से, यानी मैग्नेटिक फोर्स, है ना। तब देखो क्या क्या चाहिए, वर्क डन से तुम्हें समझ में आना चाहिए कि मैग्नेटिक फोर्स चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स किससे निकलेगा बच्चों, अगर आपने पढ़ा होगा कि वायर पर मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालते हैं, बताओ कैसे निकालते हैं वायर पे मैग्नेटिक फोर्स, पढ़ा है ना उसमें मैग्नेटिज्म में, कि अगर मान लीजिए आपके पास एक वायर है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, उस पर कितना फोर्स लगाएगी मैग्नेटिक आई फील्ड, एल बी साइन थीटा कितनी। हाँ आई बी एल, है ना, आई बी एल साइन थीटा, आई एल बी तुम्हें साइन ये फोर्स थीटा है। हाँ ये है, ये फोर्स है कितनी, बी आई एल होती है, आई एल साइन थीटा। अब देखिए इसका मतलब आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, यहां से तुम्हें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड कितनी गिवन है, हाँ मैग्नेटिक फील्ड तो गिवन है बी, तो तुम्हें अब क्या चाहिए यहाँ से, आई की वैल्यू, करंट चाहिए जो कि मिसिंग है, करंट निकालो। करंट कैसे निकालोगे, इसका वायर का, मैग्नेटिक फोर्स किसके लिए है, वायर का, तो करंट भी किसका लेते हैं, वायर का। तो वायर का करंट बच्चों कौन सा करंट होगा, इंड्यूस्ड करंट, दिमाग में तभी ऐसे ही स्टेप वाइज चलना है कि कौन सा करंट आएगा, इंड्यूस्ड करंट आएगा। इंड्यूस्ड करंट के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ। तो इस तरीके से चलना है कि वर्क से फोर्स चाहिए, फोर्स से कहां पहुंच गए आप, ईएमएफ पे। चलो तो सबसे पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ मुझे निकाल के बताओ कितनी आएगी, सिंपल केस है एकदम, जो रॉड वाला था सिंपल वही केस है, बताओ बताओ बच्चों ईएमएफ कितना आया।
अरे अभी तो तुमने पढ़ाया है ये पूरा बीएलवी 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 चिल्ला रहे हैं। देखो ये केस कब यूज करना है, जब आपका जो कंडक्टर है वो क्या कर रहा हो, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, है ना, वी वेलोसिटी से 130 वी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। तो इस केस में तुम्हारे पास ईएमएफ बीएलवी ही आती है। तो यहाँ पे भी सेम केस है, देखो मूव कर रहा है कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या करना है, ईएमएफ कितना आएगा तुम्हारा, बीएलवी, ठीक है। अब इससे करंट कैसे निकालेंगे, इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट देखो क्या तुम्हें जो ये कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो, देखो ये रेजिस्टेंस आर है ना, बीएलबी हाँ करंट कितना हो गया, बीएलवी बाय आर, ठीक है। ये करंट फ्लो करेगा तुम्हारा सर्किट में ड्यू टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ हुई और ये करंट क्या हुआ, फ्लो करेगा, करंट आ गया, मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, मैग्नेटिक फोर्स निकालो कितना आएगा, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, देखो कुछ अलग नहीं है, स्टेप निकाल, अब मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू बताओ कितना आ गया, फॉर्मूले में रख दो ना आई की वैल्यू, बी आई एल में मैग्नेटिक फोर्स कितना था, बी आई एल, आई की वैल्यू आप लोगों ने निकाल ली तो कितना आ गया, आई की वैल्यू रख दो तो बी स्क्वायर हो गया, एल स्क्वायर हो गया, वी बाय आर, ठीक है। साइन थीटा किस किस के बीच का एंगल था, आई और एल के बीच का, तो यहाँ सॉरी बी और एल के बीच का, वो यहाँ पे 90 डिग्री है तो साइन 91 हो जाएगा। ये आ गई फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन बताओ एक बार, एक बार फोर्स की डायरेक्शन निकालो राइट हैंड पाम रूल से, एक बहुत बार किया है भाई कि ये स्ट्रेट वायर है, फील्ड ये है, तो इसकी मुझे फोर्स बताइए, तो इस वायर पे फोर्स कितनी लगेगी, सीडी वायर पे किस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, डायरेक्शन बताओ, फोर्स अपवर्ड्स की डायरेक्शन अपवर्ड्स, राइट हैंड पाम यूज करो, राइट हैंड पाम रूल, फोर्स का देखो क्या फॉर्मूला है, बी आई एल, फोर्स का फॉर्मूला बी आई एल, तो बी और एल के बीच में रखो, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनसाइड, ठीक है, लेंथ तुम्हारी कहाँ है, सीडी लेंथ है, तो सीडी की डायरेक्शन में अपना फिंगर्स रखो, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आई तुम्हारी, इनवर्ड्स, तो पाम कहाँ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इनवर्ड्स, तो फोर्स कहाँ पे आया है, लेफ्ट, तो देखो फोर्स की डायरेक्शन ये आई है कुछ, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स आया है, लगाओ अब इसके अकॉर्डिंग पाम रूल, लेंथ मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या आया है यहाँ पे, फोर्स आया है, कितना आया, बी स्केयर एल स्केयर बी बाय आर, ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन ये। अब देखो क्या वेलोसिटी, मुझे बताओ क्या वेलोसिटी रिटार्ड हो रही है टाइम के साथ, क्या ये फोर्स मोशन को अपोज कर रहा है, बोलो, कि भाई वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, फोर्स इस नहीं डायरेक्शन में, तो ये फोर्स क्या करेगा, वेलोसिटी को कर रिटार्ड करेगा, क्वेश्चन में, हाँ तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें वायर को, सीडी जो वायर है इसको कॉन्टिन्यूअसली स्लाइड कराना है, तो हम बत तो तुम बताओ मैं इसको कॉन्टिन्यूअसली स्लाइड कब करा सकती हूँ, मैम, जब फोर्स और वेलोसिटी दोनों एक डायरेक्शन में होंगे। देखो ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, अगर मैं इसके बराबर एक फोर्स लगा दूं यहाँ पे एफ एम, एक्सटर्नल फोर्स हो जो, एक एक्सटर्नल फोर्स जो एफ एम के ही बराबर हो बट अपोजिट डायरेक्शन में, तो अब देखो इस एफ एम का जो इफेक्ट है इस वायर पे वो क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, और वो जिस वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है वो वायर मूव करती रहेगी,
यहाँ पे जो मुझे फोर्स लेना है एक्सटर्नल, जो मैं काम जो वर्क करेगा वो फोर्स, वो किसके बराबर हो गया? मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो गया, है ना? समझो इस बात को कि यहाँ पे क्या हुआ है, जो वर्क करेगा जो फोर्स इस वेलोसिटी इस वायर को कॉन्टिन्यूअसली मूव कराने में, वो मैग्नेटिक फोर्स ही होगा। बट एक्चुअली में वो मैग्नेटिक फोर्स का हमने मैग्नीट्यूड लिया है जो हमने उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगाया है। तो ये एफएम क्या किया, हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लिया जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए डायरेक्शन से। तो ये वेलोसिटी वी से मूव करता रहेगा। अब मुझे वर्क डन निकाल दो, वर्क डन पर सेकंड क्या हो जाएगा? वर्क डन कितना हो जाएगा? एफ वी फोर्स कितना आया है? वी स्केयर एल स्केयर वी बाय आर, और एक और वेलोसिटी वी हो गई। ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स, वी इज द वेलोसिटी। तो ये हो गया तुम्हारा वर्क डन। इन वाले सवालों में वर्क डन हम ज्यादातर एफ वी का फॉर्मूला यूज करेंगे। मतलब क्या है? वर्क डन पर सेकंड। पूछा क्या है? वर्क डन पर सेकंड। तो मुझे बताओ वर्क डन पर सेकंड क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम क्या होता है बच्चों? वर्क डन पर यूनिट टाइम। पावर, पापा पावर क्या होता है? पावर होती है ना कि पर यूनिट टाइम में आप कितना काम कर रहे हो, उसी को पावर बोलते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो बस इनडायरेक्टली तुमसे यहाँ पे वर्क डन पर सेकंड यानी पावर पूछी है कि पावर कितनी है। और ऐसे सवालों में यही पूछा जाएगा कि पावर का डायरेक्ट पूछ लेंगे, वैल्यूज दे देंगे, बोल देंगे पावर निकालो। तो ये फॉर्मूला है पावर का, वी स्केयर एल स्केयर वी स्केयर बाय आर। ठीक है, अब देखो बी एल वी क्या थी, अगर देखी जाए तो बी एल वी क्या है तुम्हारी? ई एम एफ। ये देखो इंड्यूस्ड ई एम एफ है ना। तो ये फॉर्मूला वर्क डन पावर एक तरीके से और आ गई क्या, ई एम एफ का स्केयर बाय आर। सही है ना, ई एम एफ स्केयर बाय आर, बोलो। ठीक है भाई, यस मैम। कुछ नहीं किया, शुरू से एक बार देख लो इस क्वेश्चन को। क्या था कि दो रेल्स हैं, दो पैरेलल वायर्स हैं जिनके बीच में एक वायर कनेक्टेड है एल डिस्टेंस, वो वेलोसिटी वी से मूव कर रही है। ठीक है, वेलोसिटी वी से मूव कर रही है तो इसका मतलब वहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा उसकी वजह, क्योंकि मोशनल ईएमएफ है जो हमने पढ़ा है इस ईएमएफ को। सॉरी, अगर टू बी वेरी करेक्ट, इस ईएमएफ को हम क्या बोलेंगे? मोशनल ईएमएफ। ये जो ईएमएफ है इसे हम बोलेंगे मोशनल ईएमएफ, जो ना ये मोशन से आई है, ये ईएमएफ कि आपका रॉड मूव कर रहा है उसके मोशन से ईएमएफ आई है। ठीक है, ईएमएफ आ गई, ईएमएफ से करंट आ गया, करंट आ गया। अगर आपको पता है पैरेलल वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी है और उसमें करंट भी है तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। आपने उसमें पढ़ा है मैग्नेटिज्म में, पैरेलल वायर है करंट भी है और उस वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स लगती है। कितनी लगती है? बी आई बी एल, है ना, आई बी एल लगती है। तो बस वही किया है, मैग्नेटिक फोर्स निकाल लिया, वही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगना है। अब कई बच्चों को नहीं पता होता तो वो यही फोर्स सोचते हैं कि यही फोर्स है जो लग रही है, बट एक्चुअली में वो कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स जो हमने अपोजिट डायरेक्शन में लगाई है। ठीक है, वर्क डन कितना हो गया? बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी स्क्वायर बाय आर, वर्क डन यानी पर सेकेंड, और यही होती है तुम्हारी पावर। बोलो भाई, समझ आ गया? ये नोट कर लो ये क्वेश्चन, डायरेक्ट सवाल यहां से कई बार पूछे भी जा सकते हैं कॉन्सेप्ट बेस सीधा। ठीक है, आगे बढ़ो, ये वाला सवाल करो। अच्छा ये थोड़ा सा टफ है, एक मिनट। हाँ एक बार ये करना, ये थोड़ा आसान है। ये करो, ये थोड़ा इजी है। क्या कह रहा है? एक रेक्टेंगल लूप रखी हुई है जो कि वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, कैरिंग ए करंट आई,
फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रेक्टेंगुलर लूप। तो जो ये लूप है इसमें कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी वो बताना है। चलिए तो वही है, रेक्टेंगुलर लूप है तो पहले सेगमेंट लोगे है ना, सेगमेंट लेके निकालोगे जो तुमने पहले ही निकाला हुआ है। तो पहले इस वायर का लेंथ का एल का, इस वाली का और फिर इस वाली का, ये करके ऐड कर दो, लॉक करके निकाला था जो अभी तक। क्वेश्चन की वजह से एक ही तुम्हारे पास आंसर है ईएमएफ का, बी एल बी। ठीक है, बी एल बी बस। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड निकालो वो एलिमेंट लेके जो हमने कई बार किया है। बताओ कितना आंसर आएगा, मैं नहीं बताऊंगी, वही म्यू नॉट आई 2 पाई एक्स दूरी पे ले लिया। अच्छा ये तो एक्स पे है, ये तो एक्स दूरी पे है ही ऑलरेडी, तो किसी और दूरी पे ले लो, मान लो वाई पे ले लिया, थिकनेस डी वाई हो गई। लिमिट्स कहाँ से कहाँ जाएंगी, एक्स से लेके एक्स प्लस बी तक, यही होगा ना। बी में अब म्यू नॉट आई कॉमन ले लिया, 2 पाई बाहर ले लिया कॉन्स्टेंट की वजह से, इसका कितना हो गया लॉग वाई, लॉग वाई कितना हो जाएगा एक्स बाय एक्स प्लस बी। सॉरी हाँ क्या हुआ, एक्स से लेके एक्स प्लस बी तक, सॉरी ये फाइनल यहाँ पे एक्स प्लस बी आएगा और ये खाली एक्स। ठीक है ये आ गई बी की वैल्यू, अब है ये आपके पास एल और ये है वी। बोलो आया कि नहीं आया, यही आंसर है। ठीक है फ्लक्स आया है, ये फ्लक्स है, इसको आगे सॉल्व कर लो कैसे, म्यू नॉट आई 2 पाई ये एल बी और लॉग एक्स प्लस बी माइनस एक्स, ये आ गया। कितना आगे सॉल्व करो कितना बनेगा, पूरा आंसर बताओ, इंड्यूस ईएमएफ कितनी आएगी, फ्लक्स आ गई, अब ईएमएफ निकालो डी फाइव बाई डी टी। आंसर कितना आ गया है, इसका आंसर है म्यू नॉट माइनस आई डीवीएल, इसका आंसर आएगा तुम्हारा डी फाइव बाई डी टी, यानी जो फ्लक्स है ईएमएफ इंड्यूस्ड। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार करा चुकी हूँ, मैं बार बार नहीं कराऊंगी, ये म्यू नॉट आई एल बी बी, ठीक है बी और 2 पाई एक्स अपॉन एक्स प्लस बी। म्यू नॉट आई एल बी तो ये आ गया म्यू नॉट आई एल बी, ठीक है और ये हमारा 2 पाई है, और एरिया भी, एरिया तो हमने इसका लिखा ही नहीं, वो देखो लिखा बाई डी डी टी करके, तो ये इसका आंसर है ईएमएफ इंड्यूस्ड म्यू नॉट आई बी बी एल 2 पाई एक्स बाय एक्स प्लस बी। बोलो पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, देखो ये फ्लक्स आई है ना, ये तो फ्लक्स आ गया, अब फ्लक्स के बाद क्या करना है, डी फाइव बाई डी टी भी तो करना है, तो यानी जो ये पूरी टर्म है इसको डी बाई डी टी करो, इस पूरी टर्म को डी बाई डी टी भी करोगे, तो कॉन्स्टेंट टर्म है उन्हें बाहर ले लो, जैसे म्यू नॉट आई एल ये कॉन्स्टेंट थी, 2 पाई ये कॉन्स्टेंट थी, इनको बाहर ले लो, इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है तो ये तुम्हारा आंसर है।
ये वाला करो, ये वाले केस है ना, ये केसेस हैं, ये तुम्हें केसेस याद करने पड़ेंगे, ये समझो, ये न्यूमेरिकल, दीज आर द पार्ट ऑफ थ्योरी और कॉन्सेप्ट, ये जो न्यूमेरिकल है ये थ्योरी के पार्ट है, ये याद ही करने हैं, यहां से न्यूमेरिकल आएगा। करो वेलोसिटी निकालनी है, फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कब निकाल सकते हो, जब तुम्हारे पास क्या हो, फोर्स हो, उस फोर्स को हम किसके बराबर रख सकते हैं, एम ए के बराबर, मास इनटू एक्सीलरेशन, क्योंकि यहाँ मास भी दिया हुआ है। देखो एक रॉड है जिसके पास मास है, अगर तुम्हारे पास मैग्नेटिक फोर्स आ गई तो तुम उसको एम ए के साथ इक्वी रख सकते हो, और एक्सीलरेशन को तुम क्या रख सकते हो, डीवी बाय डीटी, और ये फोर्स की वैल्यू, तो यहां से तुम वेलोसिटी को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकते हो। तो ऐसे सोचा करो, तो सबसे पहले मुझे मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, करंट कितना है, मैग्नेटिक फोर्स इस वायर पे कितना आएगा, एफ एम तुमने अभी बताया, बी आई एल, ठीक है, बी आई एल, बी की वैल्यू गिवन है, बी ही रहेगी, तो आपको चाहिए आई की वैल्यू, अब आई निकालो, आई की वैल्यू निकालो, आई क्या होगा, आई कैसे निकालेंगे, यही केस इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो IL साइन वोल्ट, देता हाँ आई एल बी, अरे वी, ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ तो बीएलवी था, ईएमएफ तो BLB बल्ब था, सॉरी बल्ब बाय आर, टोटल रेजिस्टेंस देखो कितना है, आर इस वायर का और छोटा आर इस रॉड का, तो कितना हो गया टोटल रेजिस्टेंस, आर प्लस आर, तो पूरे सर्किट में जो करंट है वो कितना है, इतना बीएलबी बाय आर प्लस आर, आई आ गया, मैग्नेटिक फोर्स निकाल लो कितना आ गया, बी स्केयर एल स्केयर वी बाय आर प्लस आर, तो वही तो था, सेम चीज है, जहां भी फोर्स की बात आए, बस यही ऐसे सवालों में फोर्स की बात आए तो तुम्हें पता ही है ईएमएफ तो वही रहेगी, क्या बीबीएल, रट लो ईएमएफ, इस केस में जब भी एक ब्रॉड वेलोसिटी यू से मूव करे, ईएमएफ कुछ नहीं जाना, बीएलवी ही है, ये पक्का है, अब उससे आगे सवाल आएंगे, क्या सवाल आएगा ईएमएफ से आगे, ईएमएफ से सबसे पहला स्टेप देखो, मेरी बात सुनो, जब भी ऐसे रॉड वाले सवाल आए जिसमें वेलोसिटी मूव कर रही हो, पहला तुमसे पूछेगा ईएमएफ, उसकी वैल्यू बीएलवी ही रहेगी या जीरो, ठीक है, ये दूसरा तुमसे क्या पूछ लेगा बच्चों, करंट, करंट तुम कैसे बताओगे, बीएलवी बाय रेजिस्टेंस, ठीक है, तीसरा तुमसे क्या पूछेगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो पूछेगा भी नहीं मैग्नेटिक फोर्स, वो पूछेगा फोर्स, फोर्स तुम्हें पता है कितना होता है, एक कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स आई बी एल, ठीक है, IL यही साइन होगा, देता हाँ, तो ये वैल्यू यहाँ रखोगे, मैं बता रही हूँ इस, यही चीज आएंगी बस, ईएमएफ बीएलवी, करंट बीएलवी बाय आर, रेजिस्टेंस से डिवाइड, फोर्स आई बी एल होगा, जिसकी आई की वैल्यू जो तुमने यहाँ निकाली है वो यहाँ पुट कर दोगे, चौथा क्या पूछ लेगा, अभी जो पूछा था पावर, पावर कैसे निकालोगे, फोर्स जो तुमने यहाँ निकाली है, ये फोर्स, अब ये फोर्स यहाँ काम आएगी, डॉट वेलोसिटी, ये फोर्स यहाँ काम आई, अब यहाँ पे और तुमसे क्या पूछ लिया, पांचवा, ऐसे सवालों में जो आएगा, एक पूछ लेगा वेलोसिटी फंक्शन बताओ, वेलोसिटी टाइम के उसमें फंक्शन, अब मान लो तुमसे पूछ रहे मोमेंटम बताओ टाइम के उसमें फंक्शन, तो क्या कर दोगे, मास से मल्टीप्लाई कर दोगे, वेलोसिटी निकाल दिया तुमने टाइम के फॉर्म में, अब मास इनटू वेलोसिटी क्या होगा, मोमेंटम, तो बस मास से मल्टीप्लाई कर दो, इन छह सात सवालों से ज्यादा इस केस में कहीं से नहीं बनेंगे, बस ये छह तरीके के सवाल है, इन्हें रट भी लो, रट सकते हो, कि क्या ये स्टेप वाइज, ये स्टेप मैंने बना दिए, ये स्टेप देख लो क्या है, अब आप आगे सॉल्व करिए खुद, अब इस फोर्स को एम ए के बराबर रखो, एम ए,
एम ए के बराबर रखा आपने, एम डी वी बाय डी टी, ठीक है भाई। अब जो वी वाली टर्म्स है उन्हें एक तरफ करिए और मुझे डी वी की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है। अब रह गया सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट, करो। डीवी की टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए, कांस्टेंट टर्म्स एक साथ लिख लीजिए, कांस्टेंट टर्म एक साथ, जैसे कि ये डीवी है ना, देखो बी स्केयर ये कांस्टेंट है, ये एल स्केयर ये कांस्टेंट है, आर प्लस आर ये कांस्टेंट है, लिख लो। एम कांस्टेंट है भाई, यहाँ ले आओ इस एम को, क्या करना है, कुछ नहीं करना। ये तुम्हारे पास डीवी है, अब डीवी का बी के टर्म्स में इंटीग्रेट करोगे तो वी को तो इधर ही लाना पड़ेगा। ये डी टी किसी काम का नहीं है, इस डी टी को यहाँ ले जाओ, ठीक है। अब ये कॉन्स्टेंट टर्म है, देखो बी एल आर रेजिस्टेंस और मास, ये कॉन्स्टेंट रहेंगे कि चेंज होंगे बताओ? टाइम के साथ क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा? नहीं, यूनिफॉर्म दिया हुआ है पहले ही, ये रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा। तो ये कांस्टेंट टर्म, इनको कुछ भी मान लो के किसी से डिनोट कर लो, तो ये हो गया के डी टी इक्वल्स टू डी वी बाय वी। चलिए सॉल्व करिए। अब मुझे आप वेलोसिटी की टर्म्स में बताइए, टाइम, सॉरी टाइम की टर्म्स में वेलोसिटी बताइए कितना आ रहा है। अब ये अब तो तुम्हारे काम, तुम्हारे तुम्हारे हाथ का काम है। कितना आसान सवाल था, कितना आसान। करो करो इसको करो। प्रतिष्ठा क्या आंसर आ रहा है? भावना, प्रतिष्ठा, इंटीग्रेशन करो। इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, फाइनल मान लो कि फाइनल कुछ वी हो जाएगी, है ना। इनिशियल मान लो कि जीरो टाइम पे इनिशियल था, जब कितनी वेलोसिटी थी इनिशियली, यू वेलोसिटी थी। अब जब किसी टी टाइम पे आप पहुंचे तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वी हो गई। यही तो लेट करते हैं, तो करो इसका इंटीग्रेशन। कितना आ गया के टी, इक्वल्स टू डी वी बाय वी, क्या होगा इंटीग्रेशन, लॉग वी, लॉग v बाय u, है ना भाई। अब इस log को हटाने के लिए क्या करेंगे, log को हटा के क्या करते हैं, इस log को अगर मैं यहाँ पे लगाना चाहूँ तो क्या करूंगी, e की पावर माइनस kt कर देते हैं ना, एक्सपोनेंशियल चढ़ हो जाता है। इस log को अगर रिमूव करना है वो यहाँ चला जाएगा, ये आया v बाय u, एक स्टेप आगे कर दो, अब इस u को यहाँ भेज दो, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, U equals to e to power minus kt. बस अब पूछ ले मैग्नेट, अब पूछ ले आपसे यहां से, मान लो कि अभी क्या बोल रहे हैं, मोमेंटम, मोमेंटम बताओ t की टर्म में, क्योंकि क्या करोगे, मास तो चेंज होगा नहीं, यहाँ मास कर दो, यहाँ मास कर दो, तो क्या आ गया, एम यू ई माइनस के टी, सेम रेशियो से ही आएगा, ये आ गया। अब अगर आपसे बच्चों आगे और क्या पूछ सकता है, एक्सीलरेशन बताओ टाइम के टर्म में, है ना, और क्या पूछ सकता है कि एक्सीलरेशन बताओ, तो तब कैसे करोगे, वेलोसिटी आ गई, बोलो वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकालोगे, कैसे निकालोगे, डीवी बाय डीटी, क्या होगा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन आ गया, बस यही यही है, वेलोसिटी आ गई। अब तुम एक्सीलरेशन पूछे, एक्सीलरेशन निकाल दो उसके टर्म में, किसके टर्म में, टाइम के टर्म में, और क्या पूछ लेगा, और देखो मैं और बताती हूँ, वेलोसिटी पूछ लेगा, हटा, एक्सीलरेशन पूछ लेगा,
टाइम के टर्म्स में कैसे चेंज हो रही है, ठीक है, रिलेशन। और सुनो सातवां क्या पूछ लेगा, एक्सीलरेशन से खुद बताओ फोर्स, है ना, एक्सीलरेशन से तुम फोर्स निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट क्या पूछ लेगा, फोर्स बताओ टाइम के रिस्पेक्ट, टाइम के साथ साथ। तुमने जब वेलोसिटी सीख ली तो तुम सब बता दोगे, देखो छठा एक्सीलरेशन टाइम, सातवां फोर्स टाइम, यहां से बाहर कुछ नहीं आएगा इस वाले इससे कॉन्सेप्ट से, ठीक है। ये रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, और यहां से बाहर आएगा भी नहीं कुछ। बोलो आ गया समझ में, कि एक बार और रिपीट करूं? बोलो रिपीट करें डन है सभी का, लड़कियां सर। बोलो, ठीक है। ये जो मैंने 1 to 7 जो लिखा है ना सीरीज में, इन्हें खुद भी लिख लो क्वेश्चन में, कि अगर फोर्स पूछा है तो इसका मतलब तुम्हें 2 स्टेप पीछे जाना है, पावर पूछी है तो मतलब तुम्हें 3 स्टेप कैलकुलेट करने हैं, ऐसे याद रहेगा। पावर पूछी है तो मतलब क्या क्या चीजें निकालनी है, वो चीजें याद रहेंगी तुम्हें स्टेप। अब ये वाला करिए एक बार, क्या कह रहा है, इन द अबव क्वेश्चन इफ अ कॉन्स्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द रोड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द रॉड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब क्या कह रहा है, देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 दे दी इस सवाल में, अब तुमसे क्या कहा कि इस फोर्स, इसमें क्या कर रहे हो तुम, एक कॉन्स्टेंट फोर्स एफ अप्लाइड कर रहे हो, एक कॉन्स्टेंट फोर्स से मूव कर रहा है, एक कॉन्स्टेंट फोर्स इस पे अप्लाई कर रखा है तुमने। तो अब तुम अब मुझे बताओ कि वेलोसिटी क्या आएगी टाइम के रिस्पेक्ट में। अब मान लो कोई भी वायर है जो इस वेलोसिटी यू से मूव कर रही है, अब आप उसको एफ वेलोसिटी एक फोर्स लगा रहे हो जो कि एफ है रॉड पे, ठीक है। अब नेट फोर्स कैसे निकालोगे बच्चों, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एक तो ये फोर्स जो लग रहा है माइनस एफ एम जो आपने निकाला है बस। अब इस फोर्स को किसके बराबर कर दो, एक्सीलरेशन के, कॉन्सेप्ट वही है उस, बस करो। चलो बताना मुझे कितना आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स में से जो वो फोर्स की एफ की वैल्यू थी बस वो माइनस करनी है, पर यहाँ पे एक चीज में ब्लंडर है, ये नहीं दे रखा कि वो कांस्टेंट फोर्स है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है या अपोजिट में है, ठीक है। तो अगर गिवन हो तो अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो बच्चों क्या करोगे, अगर ये यू वेलोसिटी है और इधर ही फोर्स लग रहा है कांस्टेंट, तो क्या करेंगे हम, नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, क्या हो जाएगा, फोर्स ऐड हो जाएगा एफ प्लस ऐड अप करना है ना, बस। अब इसको मैग्नेटिक वो एम ए के बराबर कर दो, अब मुझे बताओ जल्दी से क्या वैल्यू आ रही है वेलोसिटी की। मैम पर इसमें तो गिवन ही नहीं है, क्या गिवन नहीं है, मैम फोर्स ऐड करनी है कि सब्सट्रैक्ट हाँ वो करनी गिवन है। नहीं है, वो मैंने तुम्हें दे दिया ना, सब्सट्रैक्ट करनी है, ये वाला ये केस है, फर्स्ट केस ये करो। भाई मैं वही देख रही थी, गिवन नहीं था, तुम ये करो अपोजिट में है, टाइम लो, बहुत सॉल्व हो गया, आराम से करो, 5-6 मिनट लो करिए।
अरे सो गए क्या सब बच्चे? सेम चीज ही तो करनी है, इंटीग्रेशन। हम कर रहे हैं। करो कोई नहीं, पुराने क्वेश्चन से हेल्प लो। अरे आया है किसी का? आई कितना आएगा भाई? आई हम लोगों ने कई बार निकाला हुआ है, बी एल वी। LV बाय आर प्लस आर, पुराना वाला ही है क्योंकि पुराने वाला एक क्वेश्चन था। आई यही आया यहाँ पे, ये रहा, ठीक है आई आ गया। अभी क्या करना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स एफ माइनस एफ एम इक्वल्स टू एम डी वी बाई डी टी। मैग्नेटिक फोर्स कितना है, आई बी एन तुम लोगों ने निकाला है, एम, आई हाँ एम डी वी बाई डी टी। अब आई की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो कितना आया, वी स्केयर एल स्केयर वी बाय आर प्लस आर इक्वल्स टू एम डी वी बाई डी टी। इतना तो तुम सबका आ गया होगा, है ना। अब यस जो मैम। कॉन्स्टेंट, हाँ अब जो एक काम करो, जो कांस्टेंट टर्म है, अब ये जो कांस्टेंट टर्म है पहले इसे के मान लो, इजी हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, एफ माइनस के बी इक्वल्स टू एम डी वी बाय डी टी, ठीक है। अब देखो मुझे डीवी वाली टर्म को, डीवी वाली टर्म के साथ वेलोसिटी लेके आनी है, तो मैं क्या करूंगी, ऐसे करो पहले तो, इक्वल्स टू एम डी वी बाय डी टी बाय एफ माइनस के वी, मैं इसको यहाँ ले आई, इक्वल्स टू वन। अब कौन सी टर्म्स हैं जो हमारे काम की नहीं है, एम और डी टी, है ना। तो अब क्या करो, डी वी बाय एफ माइनस के वी और डी टी यहाँ चला गया और एम यहाँ आ गया, है ना। ये हो गए भाई सेपरेट, बस यही तो करना था। वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी लेके आनी थी, जो बाकी की टर्म्स है उन्हें साइड में कर दो, बस इतना। किस किस का आ गया था बोलो। अब टाइम का लिमिट, यानी मान लो इनिशियली टाइम कितना था, जीरो। यहाँ पे वेलोसिटी, वेलोसिटी इनिशियली कितनी दी हुई है, जीरो। तो यहाँ पे वेलोसिटी भी जीरो, पहले यू थी। अब किसी टाइम टी पर वेलोसिटी कितनी हो गई भाई, वी हो गई। अब आगे आप करिए, अब तो बहुत तो हो ही गया, अब आगे आप करिए, आप क्या करना। कर लिए है। यही आंसर है पुराना। हाँ, करो। ये देखो डीवी है और ये एफ माइनस के वी, इसका कितना हो जाएगा, लॉग में हो जाएगा ना। ये कितना हो गया, लॉग एफ माइनस के वी। अब किसका करते हैं फिर, के वी का भी करेंगे क्योंकि वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी के आगे कांस्टेंट क्या है, के। तो
इसका जब आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/k। माइनस का साइन है तो ये माइनस आ गया, ठीक है। वेलोसिटी वी, वी की जगह वी रख दिया, ठीक है, इतना आ गया। अब क्या बचा, ये टी बाय एम, इसका कैसे करेंगे, करो टी बाय एम का क्या होगा, एम तो कांस्टेंट है, एम का तो कुछ लेना देना नहीं, डी टी का क्या बन जाएगा, टी। टी बाय तो ये कितना हो गया, टी बाय एम, टी बाय एम हो गया। इस के को वहां ले जाओ, अगर इस के को यहाँ ले जाते हैं तो मेरे पास क्या आया, लॉग एफ माइनस के वी इक्वल्स टू माइनस के टी बाय एम, इतना ही आया है। लॉग एफ माइनस के बी माइनस के टी बाय एम, एक सेकेंड। हाँ अभी देखो, लॉग में हमें ये वैल्यूज भी पुट करनी थी, बी की वैल्यू जीरो होगी, बी की वैल्यू अगर जीरो होगी तो एफ माइनस के बी कितना आएगा, अब ओनली एफ, ठीक है, ये तो यहाँ पे भी बाय एफ लिख दो। ये देखो ये सही है ना, लॉग ये तो इंटीग्रेशन हुआ एफ माइनस के बी, तो उसके बाद लिमिट्स रखोगे बी की जगह बी, तो दूसरी लिमिट क्या रखोगे, बी की जगह जीरो, तो जब बी की जगह जीरो रखोगे तो ये टर्म के बी जीरो हो जाएगी, खाली बी बचेगा, लॉग एफ माइनस के बी बाय एफ, इतना आ गया। अब आगे करो, लॉग है तो इसको कहाँ कर दो, यहाँ पे ई की टर्म्स में, यानी एफ माइनस के बी बाय एफ इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस के टी बाय एम, ये आया। अब ये वाला एफ है, इसको भी यहाँ ले जाओ, तो मैं इस एफ को यहाँ लिख दे रही हूँ, यहाँ पे आगे एफ वाली टर्म्स को एक साथ रखो, बी को अलग करो, एफ वाली टर्म्स को एक साथ रखिए, तो इसको माइनस के वी को यहीं रहने दो, ये क्या हो गया एफ, ये वाला प्लस का है तो वहां जाके माइनस का हो जाएगा, एफ कॉमन ले लो, कितना आएगा e की पावर माइनस के टी बाय एम माइनस वन, बोलो ये माइनस है तो अब ये किसके बराबर हो गया, v किसके बराबर आ गया, एफ बाय के वन माइनस ई माइनस के टी बाय एम। सिर्फ इंटीग्रेशन था, कॉन्सेप्चुअली इस सवाल में कुछ नहीं था, पहले कर चुके हैं, सिर्फ इंटीग्रेशन, जिसकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगी, जिसको इंटीग्रेशन आता होगा, इस सवाल को 2 सेकंड में कर देगा, सिर्फ इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में भी प्रैक्टिस की इस सवाल में उसकी भी जरूरत नहीं है, बस वेलोसिटी वाले को वेलोसिटी के साथ जो फालतू का था उसको परे कर दो, एम कॉन्स्टेंट तो एम ऐसा ही रहा, डी टी का इंटीग्रेशन से टी हो जाएगा, राइट। बोलो समझ आया, आसानी था, टफ नहीं है ये, ये तो करा चुकी हूँ बहुत बार। अब देखो, अब क्या सवाल है, ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू रोटेशन, कि रोटेशन की वजह से ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी, रोटेशन वाला अगर एक केस याद है तो अभी हम लोगों ने एक सवाल किया था कि रोटेशन वाला, ये वाला, कि अगर इस तरीके से कोई टर्म, कोई आपका सेमी सर्कल है जो ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये रीजन है जहां पे कोई फील्ड नहीं है, इस रीजन में आपको फील्ड मिलेगी, है ना, तो मुझे बताओ इसकी वजह से कितना आया था इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो ये वही कॉन्सेप्ट है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन, बताओ कितना आया था, करा चुकी हूँ पहले ही सॉल्व, ऐसे मत बैठो कि जैसे नहीं करा कुछ, सॉल्व करो। मान लो बी इसका मैग्नेटिक फील्ड है और ओमेगा वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है और इसकी रेडियस आर है, मुझे बताओ ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा, चलिए सॉल्व करिए भाई, सुरेंद्र कितना होगा, भावना, प्रतिष्ठा, बाकी के बच्चों के मुझे नाम याद नहीं है, कराया था ना मैंने किसी भी
यहाँ पे जब ईएमएफ निकालोगे तो डी फाई बाय डी टी करोगे फ्लक्स, यहाँ पे क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड या एरिया? यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है बच्चों, एरिया चेंज हो रहा है, बी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड बी, तो बी आपका बाहर आ गया डीए बाय डी टी। अब आपको क्या करना है, किसी भी टी टाइम पर एरिया लिखना है, तो टी टाइम पर एरिया लिखें कितना आएगा, किसी भी टी टाइम पे कैसे लिखोगे, मान लो किसी भी टी टाइम पर, किसी भी टी टाइम पर आपका जो ये सेमी सर्कल है वो इस तरीके से पहुंचा, किसी टी टाइम पर ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ, इसका थीटा कितना डिस्प्लेस हुआ, ओमेगा टी, ये फॉर्मूला होता है ना, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, इतनी वेलोसिटी से हुआ। अब मुझे चाहिए एरिया कि इसने थीटा में ये कितना एरिया से कवर करेगा, तो कितना करेगा बताओ, सिखाया था मैंने भाई, मैंने सिखाया है बच्चों कि अगर 2π 360 से 2π जो है पाई आर स्क्वायर बनाएगा तो 1 कितना बनाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2π, और जितने भी थीटा का निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर लो, तो ओमेगा थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर बाय 2π मल्टीप्लाई बाय ओमेगा टी, इतना थीटा यानी इतना एरिया उसने कवर किया थीटा में, लिखो यहाँ पे बी, ये तुम्हारी ईएमएफ है, अब यहाँ पे बी मल्टीप्लाई देखो वैल्यू रखो, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2π मल्टीप्लाई ओमेगा, अब टी क्या है, डीए बाय डीटी करोगे तो टी 1 हो जाएगा, तो सिर्फ ये वैल्यू आई, पाई से फाई कैंसिल, तो ईएमएफ कितना आया, 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। तो ये भी वैल्यू याद रखें कि जब भी कोई चीज रोटेट करेगी तो तुम्हें क्या निकालना है, अगर एरिया चेंज हो रहा है और रोटेशन के केस में हो रहा है तो क्या निकालोगे, थीटा विच इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, ठीक है, थीटा निकालोगे, एरिया चाहिए तो एरिया जितने भी आपसे थीटा का पूछा जाए ये वाला यूज करोगे, ठीक है। अब ये थीटा कुछ भी दे सकते हैं, 60 डिग्री 45 डिग्री, तो तुम्हें ऐसे निकालना है, अगर थीटा डायरेक्ट गिवन है तो ओमेगा टी की वैल्यू हो जाएगी वो मल्टीप्लाई में 45 60 जो भी है वो वैल्यू पुट कर देना, ठीक है। यस मैम, हाँ ये वाला सवाल करो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी ईएमएफ ही होती है पोटेंशियल डिफरेंस, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ईएमएफ किसके बराबर आएगी, रोटेट कर रहा है, क्या आया है यहाँ पे देखो, बी ओमेगा आर स्क्वायर, वैल्यू यही आएगी, क्वेश्चन देखो वैल्यू तो यही आएगी, तुमने यहाँ भी क्या निकाला है, आयरन, तुम्हारा दिमाग देखो निकाला क्या है तुमने यहाँ पे, मुझे बताओ, ईएमएफ ही तो निकाली है, और वो किस केस में निकाली है, जब क्या मूव कर रहा है तुम्हारा, सर्कल मूव कर रहा है ना, रोटेशन हो रही है, यहाँ पे भी देखो क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पेपर में कंफ्यूज मत होना, ये वही है कि यहाँ पे ईएमएफ पूछी है तुमसे और रोटेशन हो रही है, रोटेशन की वजह से ईएमएफ कितना आता है, 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर, इसका आंसर भी इतना ही रहेगा, वो अलग अलग तरीके से पूछेगा, आंसर यही रहेगा, हो सकता है कुछ अलग केस सिनेरियो हो उसमें वो वेरी कर जाए, बट इसमें अब तुम सॉल्व करो क्या ये वैल्यू आ रही है या नहीं, सॉल्व करो डीई, सॉल्व करिए, कैसे करेंगे, पहले किसी थीटा के लिए, पहले किसी स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाल लो, चलो स्मॉल थीटा के लिए, इस एंगल छोटे से लेंथ एलिमेंट के लिए, इस एलिमेंट के लिए निकाल लो कि कितना आ रहा है ईएमएफ, मोशन की वजह से क्या आता था, जब भी कोई रोड मोशन करती थी वी वेलोसिटी से कितना आया था बल्ब बीएलवी, तो यहाँ क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट मोशन की जगह जैसे ये कंडक्टर था जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था, यहाँ पे क्या है कि वही कंडक्टर है वो कैसे मूव कर रहा है, जो वी वेलोसिटी की जगह
ओमेगा से मूव कर रहा है ना, ओमेगा से मूव कर रहा है, तो तुम क्या करो, बी एल वी रखो, डीई मान लो इस डीई के लिए निकालते हैं, इस छोटे से एलिमेंट के लिए मैं ईएमएफ निकाल रही हूँ, ठीक है, इस छोटे से एलिमेंट के लिए निकालो कितना आएगा, बी कितना है यहां से डिस्टेंस, मान लो एक्स डिस्टेंस पे है ये, तो बी एक्स, ठीक है, इसकी थिकनेस कितनी मान लो बच्चों, डीएक्स, तो ये हो गया बी एक्स डीएक्स, ठीक है, ये बी रखा और इसकी लेंथ रखी, कितनी दूरी पे है, एक्स दूरी पे है, ठीक है, चलो सुनो, इज द मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ कितनी दूरी पे है, एक्स दूरी पे है, और अब मुझे वेलोसिटी बताओ, किस बी चाहिए ना, बी वेलोसिटी कितनी होगी बताओ, इस लाइन एलिमेंट की वेलोसिटी कितनी होगी अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो, बी कितना होता है, आर ओमेगा हाँ v कितना होता है, r ओमेगा, है ना, तो अब इस छोटे से एलिमेंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इसका कितना डिस्टेंस है छोटा सा, dx, और वेलोसिटी ओमेगा, डीएक्स तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा dx, ओमेगा डीएक्स vx ओमेगा dx, तो ये छोटे से एलिमेंट के लिए आई वेलोसिटी, देखो कुछ नहीं करा तुमने, वही फॉर्मूला यूज किया कॉमन साइंस वाला, कि भाई मैंने तो कंडक्टिंग के लिए पढ़ा है, अगर कंडक्टिंग वायर वो कोई भी रॉड मोशन कर रही है वेलोसिटी से वी से, तो उसका बी एल वी फॉर्मूला है, और यहाँ पे वी की जगह बस ओमेगा है, तो तुम्हें बस वही कन्वर्ट करना है आर ओमेगा, क्योंकि रोटेशन में पढ़ा होगा कि कोई भी अगर लेंथ कोई भी रॉड रोटेशन कर रही है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी तो हर पॉइंट की सेम रहेगी, बट जो लीनियर वेलोसिटी है वो हर पॉइंट की क्या रहेगी, अलग, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करती है, तुम्हारी आर पे, है ना, तो वही है यहाँ पे। अब मान लो तुम्हें पूरा डीई निकालना है टोटल, तो क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, मान लो ये जीरो से लेके ये कितने डिस्टेंस है, एल, तो जीरो से एल बी एक्स ओमेगा डी एक्स, और बी ओमेगा कॉमन है बाहर ले लो, एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर बाय टू, और ये कितना है जीरो से लेके एल, ये पूरी ईएमएफ कितना आ गया बताओ, 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, सेम आ गया, सेम आ गया, तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान में रखते हुए पेपर में जो सवाल आएंगे उनको ध्यान रखना, इस तरीके से सवाल आएंगे कंफ्यूजिंग करेंगे, पर कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये पीपीटी बहुत संभाल के रखना, ये पीपीटी इसमें ये लगा लो, बहुत अच्छे अच्छे सवाल बहुत इजी मैनर में तुम्हें याद रहने चाहिए, ओके मैम, सभी के लिए बोल रही हूँ भाई, आज तो पता नहीं मुझे लग रहा था ओके मेरे मैम, बच्चे सो गए क्या क्लास में, क्लियर नहीं आ रही तब चाहिए, मैं ठीक मैं जागता हूँ, बाय है, चलो बाय अभी। नहीं। मैम, अभी तो सुबह हुई है।